भाई मिल गए इसमें, दिखाता क्यों नहीं तू भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड देख रहे हो पूरा पसीनों में नहा रहा हूं मैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने ना अभी सुबह एक क्वोट पढ़ा था कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीनों से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मैं भी इतिहास बदलने की तैयारी में हूँ। इतिहास मतलब हंसने की बात नहीं है, हंस क्यों रहे हो, सॉरी मैं ही हंस रहा था। तो इतिहास बदलने की तैयारी में हूँ, औरों का नहीं अपना। तो वर्कआउट कर रहा था, वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। मॉमी जी गुड मॉर्निंग यार, कुछ हेल्दी बनाना था। मम्मी आप मतलब, अब मैं आपको बताना, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं हेल्दी कुछ खाता खाता हेल्दी ना, मतलब जैसे हेल्दी कुछ भी हेल्दी, जैसे क्या बोलते हैं, सीताफल की सब्जी पूड़ी है हेल्दी ना। अच्छा ये हेल्दी में आएगी है मम्मी, ये तो ऑयली फूड में आ जाएगी पूड़ी और सीताफल की सब्जी, क्योंकि इसमें भी आपने ठीक ठाक ही तड़का लगाया होगा ना। तो फिलहाल तो मम्मी हेल्दी नहीं, फिलहाल मम्मी ऑयली फूड बना रही हैं, बट मैं क्या करूँ यार, मजबूरी है, वही खाना पड़ेगा हमें, है ना, कोई नहीं वही खाते हैं। तो मतलब एक साथ थोड़ी इतिहास बदल जाएगा, टाइम लगेगा ना धीरे धीरे। तो यही करते हैं नाश्ते में यार, मैं क्या हेल्दी खाने आया था और ऑयली खाने शुरू कर दिया मैंने। तो गाइज मम्मी ने वो हेल्दी नाश्ता बना दिया है, जो मैं कह रहा था ना कि वर्कआउट के बाद हेल्दी नाश्ता करा करो। देखो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठना हेल्दी नाश्ता देखने के लिए। ये है वो हेल्दी नाश्ता पूड़ी और पेटे की सब्जी। हेल्दी तो नहीं है, मतलब हेल्दी है यार, पेटे की मीठी सब्जी मीठी। हाँ तो, और देखो मम्मी पेटे की है, एक तो ऑयली और मीठी भी है, तो डबल नुकसान। एक जिम वाले को तो वैसे ही मीठा कम खाना चाहिए। नाश्ता करते हैं। तो गाइस मैं और मम्मा जा रहे हैं शॉपिंग करने मेरे लिए, क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम से अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, ना शर्ट ना पैंट कुछ भी नहीं। तो आज मम्मा मेरे को कपड़े दिलाने जा रही हैं मार्केट, चलते हैं मार्केट में मिलेंगे सीधा। मम्मा आओ जल्दी। तो गाइस मार्केट आ चुके हैं, देखो मम्मा ना आगे आगे साथ ही चल लो, मम्मी इतनी आगे जा रही हो आप, कौन सी चलोगे देख लो जो आपको ठीक लगे, चलो यहाँ से देख लो। तो गाइस शॉपिंग तो हो चुकी है, और पता हर बार यही होता है, लेने आते हैं एक चीज़ और ले लेते हैं दो दो तीन तीन। लेने आए थे एक जोड़ी मतलब पैंट शर्ट, और ले लिए दो जोड़ी भाई। तो मम्मी ने दिला दिया, दिल बड़ा मम्मी का, और क्या मम्मी कहाँ रह गई, आ जाओ जल्दी, अब घर ही चलना है ना, और तो कहीं नहीं जाना। चलो भाई घर चलते हैं। और यार ये देख रहो इस बार लीची कितनी महंगी है, कहाँ ये 50-60 रुपए किलो मिलती थी, अब 150 रुपए किलो है यार, है ना 100 रुपए किलो बेची, अब देखो 150 रुपए किलो है, 125 किलो कर दिए, ठीक है ठीक। तो गाइज मार्केट से आने के बाद नहा लिया हूँ मैं, क्योंकि अभी जाना है बुआ जी के यहाँ पे, क्योंकि आज है विवेक भैया का बर्थडे। हाँ आज विवेक भैया का बर्थडे, और ये उनका लास्ट बैचलर बर्थडे होने वाला है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा वो बनेगा भाभी के साथ में, शादी फिक्स हो गई है। तो रेडी होते हैं और चलते हैं बुआ जी के यहाँ। तो गाइज रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो गया, मम्मा मोश दोनों रेडी हो गए, और दीदी तो पहले ही पहुंच गई वहाँ पे ना, तो चलते हैं। तो गाइज सब रेडी हो गए हैं, चलते हैं बुआ जी के यहाँ पे, और बाइक से नहीं जा रहे, ऑटो से जा रहे हैं, और ऑटो आने में जैसी ऑटो आ जाएगा फिर निकलेंगे, ठीक है। मॉमी यू आर नॉट फेसिंग द कैमरा। चलो गाइज कट पे तो आ चुके हैं, भैया को फ़ोन कर दिया था, भैया आ रहे हैं हमें लेने, पर जब तक आ रहे हैं तब तक हम वॉक कर लेते हैं पैदल पैदल, क्योंकि रास्ता बढ़िया है ना, यहाँ पे बहुत सारे खेत पड़ते हैं, तो उन खेतों को भी दिखाता हुआ चलूँगा आपको। गाइज जहाँ तक ईंटें बिछरी थी ना सिर्फ वहाँ तक चलेंगे पैदल, और अगर नहीं तो वैसे ना मेरे और मोक्ष दोनों की ब्लैक पैंट और ब्लैक ही हमारे वो भी हैं सैंडल, तो यहाँ तक ही जाएंगे सिर्फ, वरना आगे तक भैया का वेट करेंगे, जब वो गाड़ी ले आएंगे ना तब चलेंगे, वरना तो पैंट और सैंडल दोनों गंदी हो जाएंगी। वैसे आने वाले होंगे भैया, क्योंकि सामने दिख रही है ना ट्रेन आ रही है, ट्रेन की वजह से रुके हुए होंगे, तो जैसे ही आ जाएंगे तभी चलेंगे। अब यहाँ से कच्चा शुरू हो गया, तो मेरे को अपने जूते और पैंटें गंदी नहीं करवानी यार।
तो गाइज मैं कह रहा था ना कि भैया फाटक पे रुके हुए होंगे, फोन आ गया भैया का और यही कह रहे थे कि फाटक पे रुका हुआ हूँ, आने वाले हैं बस हमें लेने, और उन्हीं का बर्थडे है, गाड़ी में ही विश कर देंगे। एंड गाइज देखो हरियाली कितनी है यहाँ पे ना, उधर फ्लैट हैं, इधर पेड़ पौधे, ये मेरे ख्याल से मम्मी भुट्टे हैं ना, ये है ना कुकड़ी, कुकड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में, वैसे नॉर्मली भुट्टे बोलते हैं। गाइज आ चुके हैं भैया एंड ब्रो, हैप्पी बर्थडे, चलो मोड़ लो पहले, मोड़ लो पहले, हैप्पी बर्थडे ब्रो, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, तुम जियो हजारों, बहुत जल्दी आगे होगा, तुम जियो हजारों साल साल, रहने दे अब तो, और जितने भी साल जियो खुशहाल जियो, मैं जवानी में ज्यादा जीना चाहता हूँ भाई, जवानी में ज्यादा जीना चाहता हूँ। अब भैया जवानी कांस्टेंट तो है नहीं, बुढ़ापा तो आना ही है, बट मैं ये चाहता हूँ कि बुढ़ापे में जियो ना तो भी खुश हो गए ना बुढ़ापे में, क्यों भाई 50-60 साल के बाद बेकार हो जाए जिंदगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर बीवी अच्छी आ जाए तो भी बढ़िया रहती है, बुढ़ापा भी अच्छा करता है, भाई बीवी अच्छी आए चाहे कुछ भी अच्छा है, जिंदगी बेकार होनी है बुढ़ापे में, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप देखो दर्द वगैरह वो जो है वो तो नॉर्मली आ ही जाते हैं है ना, लेकिन ये है कि अगर परिवार अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, अगर तो सब अच्छा ही चलता है, अपनी फोकस रखो तो दर्द वगैरह भी नहीं आते हैं। ये भी है। अब हम क्या करें, हमारे दर्द अभी सही है, अभी सही है हमारे तो दर्द, बुढ़ापे में क्या हाल होगा, एक दर्द दिल में है एक दर्द कमर में है क्या कह रहे, और दोनों भाई ऐसे ही हैं, दोनों ही एक से हैं, आराम से चलाना। घंटा हो गया हमें खड़े हुए और फाटक हो रहा है बंद, देखो आधे घंटे से ट्रेन यहाँ की यहीं पे खड़ी है, और अब बहुत ज्यादा देर होगी तो हम भी बाहर निकल के आगे, क्या करें जब नहीं चल रही तो, है ना, लोग भी परेशान हो के बाहर आने लग रहे हैं, और इधर बैठ गए नीचे दिख रहा हो तो, भाई गर्मी हो रही है कब तक अंदर बैठे रहेंगे, सब बाहर निकल के आएंगे ही नहीं, गर्मी भी तो ज्यादा हो रही है, कब तक बैठे रहेंगे अंदर, कब तक एसी चलाएंगे, सही बात है, इतनी देर में तुम दिल्ली घूम आते, बहुत देर होगी यार, आधा घंटा हो गया भाई। देखो विवेक भैया का ना बहुत देर से टॉयलेट आ रहा था, और कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ट्रेन में जा रहे हैं करने, और अगर ट्रेन चल रही तो ट्रेन के साथ ही चले जाएंगे, जल्दी आ जाना इन्हें पता नहीं था वीडियो बना रहा हूं, पर बोलना तो जरूरी है ना हाँ तो माता जी कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, आधा घंटा हो गया ट्रेन को खड़े खड़े, हाँ मैं कह रही हूँ दूसरे रास्ते से चलते हैं, दूसरे रास्ते से आने दो भैया को बोलते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई यार, लगभग 40 मिनट होने जा रहे हैं और अभी तक भी ट्रेन हिली नहीं है, वहीं की वहीं पे है, और फाटक लग रहा है तो हम भी कहीं नहीं जा सकते ना, देख ही रहे होगे मेरे पीछे फाटक लग रहा है, करिए मिला कुछ आत्मसम्मान, ट्रेन के वॉशरूम के अंदर कॉकरोच, ट्रेन के वॉशरूम के अंदर कॉकरोच, फर्स्ट टाइम देखा, वरना तो क्या क्या मिलता है, कॉकरोच ही मिला शुक्र करो। तो गाइस काफी देर होगी खड़े खड़े, लेकिन ट्रेन टस से मस नहीं हुई है, पता नहीं कितनी देर में चले, तो हम तो दूसरे रास्ते से चल रहे हैं, और 40 मिनट तो मैं खड़े खड़े हो गए, लगभग 45-50 मिनट हमारे बेकार हो गए, तो अब दूसरे रास्ते से घूम के जा रहे हैं, क्योंकि इसका तो पता नहीं कब तक यहाँ से चले ना चले ना। तो गाइज हमें ना वहाँ पे इतना टाइम लग गया, देख रहे हो हमारी बुआ जी जो चाय बना के लाई थी वो भी ठंडी हो गई इंतजार करते करते, और देखो पापा जी हमसे पहले आ गए, और शीनी मिनी भी आ चुका है, दीदी आप भी आई हो शीनी के साथ, मुझे लगा खाली शीनी शीनी आया चाय पीते हैं यार, चाय पी लो, गेम बाद में खेल लेना बर्थडे बॉय, इतना के दिखा रहे हो आज ज्यादा, वो अभी चला है बस थोड़ी देर रुकना बस, एक देखो वो कहाँ बैठ के खेल ले, आज तू कैसे नहीं खेल, अच्छा चल रहा है तेरा भी, मर गया अच्छा, चलिए चाय पीते हैं। जतिन भैया ने ना ये बैकिंग से मंगाया, क्योंकि इसका मतलब ये ब्रेड वाले आते हैं, इसलिए भाई ब्रेड वाले ही खाना था यार, क्रीम वाले नहीं अच्छे लगते, तो अब चलते हैं अंदर और फिर केक कटिंग करते हैं। चलो गाइस बॉक्स हटाओ और क्या, आस्था लगी रौनक आ रही है चेहरे पे देख रहे हो, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दर्शन भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, साइड को हो जाओ, फोटो फोटोग्राफर फोटो बिगाड़ रहे हो भैया,
विकास ये शर्ट चेंज होगी, शर्ट शर्ट भी होगी। हाँ तुम्हारे तो बालों में भर गया केक सारा। वही निकाल के विकास को खिला दो, वही निकाल के विकास को खिला दो। नाक थोड़ी लग गई इसमें। कोई बात नहीं, दोबारा लगा तो क्या हो गया। मैं बाहर जा रहा हूँ। गाइस देखो, सबके केक में कीड़े मकोड़े निकल रहे, हमारे में टट्टी निकली है। टट्टी टट्टी है सही में। केक वाले को कंप्लेंट करो, केक नहीं है टट्टी है। इस विकास बैठ गया अपने काम पे, केक कटिंग करेगा, सबको देगा। वे इसका एक ही काम है हर जगह, सबको केक पकड़ाने का। हाँ सबको थोड़ा थोड़ा, पहले बैठ जाता है ये। हाँ सबको थोड़ा थोड़ा देगा और खुद के लिए केक बचाएगा ये। शीनू मामू का है, मामू शीनू, शीनू मामू का। भाई मैं सामने खड़ा हूँ बेटा, जिम थोड़ी ना गया मैं। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। हैप्पी बर्थडे कर दो मामू का। तो गाइज अब जो भैया को गिफ्ट मिला है ना, वो अनबॉक्सिंग करते हैं। पहन रखा है मैंने। हाँ एक तो पहन रखा है। इसमें क्या है, इतनी जल्दी फाड़ दिया? सबर तो कर लेते यार। कोई नहीं, क्या है? बेचे कैल्विन क्लेन का पर्स। ओ सीके यार, पर्स तो भैया मेरे को जरूरत है, आपको जरूरत भी नहीं है पर्स की। हैं तू ले ला, ठीक है। पर्स तो बढ़िया लग रहा है यार। ओबे तेरी, ओ बेचे बेटा, पैसा तो मेरा है, पैसा मेरा भाई, पर्स तेरा, पैसा मेरा। 50-50 भाई, मेरा पैसा, बड़े पैसा, बड़े ना भाई ना। चल जा तू ऐश कर, तू भी तू रख ले जा। तू भी क्या गया, कैसे भाई से पाला पड़ा है तुझे? भाई मिल गए इसमें, दिखाता क्यों नहीं तू भाई। पैसे मेरे, पैसे आपके पर्स। ओके ब्रो, ओके थैंक यू। चल पैर छू, पैर छू, चल पैर छू, आशीर्वाद ले। खुश रह, खुश रह, खुश रह। हजार तो थे ही, और मैं दिखाइए कितने भाई, गिन। 500 चुराते ना है बाकी के ले ले यही। तो गाइस खाना आ गया, खाना खाते हैं। चावल, छोले, चाप, पूड़ी और रायता। चीनी कैसे खा रही बच्ची? दे 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 दे। वे कंचड़। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ले बाबू ले, इसमें से खा, यहाँ से खा, यहाँ से दे, ये रखा, ये रखा। शाबाश। तो गाइस खाना खाने के बाद अब भैया ले आए हैं आइसक्रीम की ट्रीट देने, और सब आइसक्रीम अपनी अपनी वैरायटी की ले सकते हैं। तो मेरे को तो कुल्फी पसंद है, मैं तो नॉर्मल कुल्फी ले रहा हूँ, और बाकी देखते हैं सब कौन कौन सी ले रहे हैं। देखते हैं शीनी कौन सी लेगा, शीनी की कौन सी पसंद है। बाबू नीचे नीचे कर दे, गिर ना जाए उसमें, ना गिर जाए। आइसक्रीम खिला दो बाबू मेरे को भी। मामू को नहीं खिलाई आइसक्रीम? मेरे को भी खिला दो। देखो ये क्या कर रहा है,
इसमें ना बर्फ है, यहाँ से बर्फ खिलाओ, खुद खा ली। हाँ अब देखना किसे खिलाएगा, खाओ कौन खाएगा, भैया लो खा लो, भैया को खिला रहा है, खाओ भाई खाओ, ले लो सब अपनी अपनी पसंद की, लो कौन सी लेगा, सागर ले ले तू भी, सबको कुल्फी ले ले सामने, हाँ और क्या सारे कुल्फी ले लो, कुल्फी बढ़िया है। तो गाइस घर आ चुके हैं एंड इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे आपसे अगले नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।